राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच ऐसा लग रहा है कि एक सीट पर बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है। नाम होता है 84। जी हां, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जो 84 सीट है, जो विधानसभा क्षेत्र 84 है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है। और उसकी जो मूल वजह है वो यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, मगर अभी तक भी उन्होंने विधानसभा 84 से अपना कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, अपना चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। तो इसे समझ सकते हैं कि कितना गंभीर एक मंथन इस एक विधानसभा सीट को लेकर चल रहा है। जबकि जिस एक पार्टी पर सबसे ज्यादा दबाव होना था, भारत आदिवासी पार्टी पर, क्योंकि ये उनके पास सीट थी, उनके पास सीट है तो उनको उस सीट को बनाए रखने का एक दबाव है, उन्होंने बहुत जल्द अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अनिल कुमार कटारा को वहां से अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया कि भाई ये हमारे प्रत्याशी होंगे। मगर ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अभी तक भी अपना चेहरा वहां, अपना प्रत्याशी स्पष्ट तौर पर घोषित नहीं कर पाए हैं। भाजपा ने तो जबकि 6 सीटों पर तो घोषणा कर दी है, उसकी निकटवर्ती सलूंबर में उन्होंने घोषणा कर दी है, मगर 84 को लेकर अभी तक लगातार कंफ्यूजन, लगातार संदेह की स्थितियां बनी हुई हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो उसके जो मूल कारण निकल कर आते हैं, तो उसमें जो पहला कारण तो समझ में आता है वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी का बहुत दबदबा इस एक सीट पर विधानसभा चुनाव 2023 में देखा गया, जब राजकुमार रोत, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, उनके सांसद बनने के कारण ये सीट खाली हुई है, तकरीबन 70,000 वोटों से इस सीट को जीते थे, 1,11,000 वोट उनको मिले थे। और भाजपा के जो विजय कटारा है, कांग्रेस के जो ताराचंद भगोरा है, वो दोनों मिलकर 70,000 वोट लाते हैं। भाजपा को 41,000 और कांग्रेस को 28,000 के आसपास वोट मिलते हैं। दोनों मिलकर जो वोट लाते हैं उस अंतर से तो राजकुमार रोत इस सीट को विधानसभा चुनाव में जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस एक दल का, उस एक राजनीतिज्ञ का कितना, वहां राजनेता का कितना असर है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही होगी कि उस असर को कम कैसे किया जाए, ऐसा कौन सा चेहरा लाए जो वहां मुकाबले में बना रह सके, क्योंकि अब सरकार है और सरकार बनने का उपचुनाव में फायदा भी होता है मगर साथ साथ दबाव भी होता है। फायदा यह कि लोगों को लगता है कि इनकी सरकार है, इस सीट के हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जिसका सरकार है उसी का विधायक बनता है तो हमारे यहाँ काम होंगे, थोड़ा हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो ये एक लाभ तो मिलता है। मगर सरकार पर भी दबाव होता है कि हम हार गए तो लोग कहेंगे भैया देखो सरकार है उसके बावजूद हार गए। तो उस जो एक गुत्थम गुत्था वाली स्थिति है, उस स्थिति के बीच अभी तक नाम वहां पर घोषणा कर नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस का तो और भी स्थिति, और भी जो हालात हैं वो अलग है। वो अलग हालात इसलिए क्योंकि अभी थोड़े समय पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, मगर उसके बावजूद उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दे दिया। मगर इस चुनाव से पहले राजकुमार रोत और उनकी पार्टी बड़े स्पष्ट तौर पर यह कह चुकी है कि भाई साहब हम किसी के साथ भी समझौता नहीं करेंगे, हमें कोई समर्थन देना चाहे तो अलग बात है, मगर हम तो हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के लिए कंफ्यूजन ये कि सीट पर अगर प्रत्याशी उतारे तो कहीं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, और ना उतारे तो ये ना लगे कि मैदान छोड़ दिया, इस बार भी देखिए अपने प्रत्याशी उतारने बंद कर दिया कांग्रेस ने। तो वहां ये कंफ्यूजन चल रहा है, भाजपा इस सीट को कैसे जीते उसकी जद्दोजहद चल रही है, मगर भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत त्वरित प्रभाव से अपने प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही अब जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं उसमें लगातार अनिल कुमार कटारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना प्रचार भी प्रारंभ कर चुके हैं। जो शुरुआती जो एक लाभ मिलता है प्रत्याशी जल्दी घोषणा करने का, वो लाभ वहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। और वैसे भी भारत आदिवासी पार्टी का जो एक पैटर्न अभी तक चला आ रहा है उसमें देखने को मिलता है कि बगावत कम दिखाई देती है, इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बगावत होती नहीं है। जो पार्टी घोषणा करती है उनकी पार्टी में जो चयन प्रतिपद्धति है वो भी बड़ी एक मिले जुले फैसलों वाली होती है, तो उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो अनिल कुमार कटारा तो मैदान में आकर डट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 टिकट घोषित कर चुकी है मगर अभी तक 84 पर संदेह बना हुआ है, संशय बना हुआ है। कांग्रेस तो अभी तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, तो वो कब तक ये सूची जारी करती है? मगर इस बीच ये जरूर लग रहा है कि 84 को लेकर जद्दोजहद, खींचतान बड़ी भारी चल रही है, माथापच्ची लगातार चल रही है। और देखने वाली बात, क्योंकि अनिल कुमार कटारा पर भी एक दबाव रहेगा, क्योंकि देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस बड़े मार्जिन से राजकुमार रोत इस सीट को जीते थे, अनिल कुमार कटारा उस सीट पर क्या संघर्ष करते दिखाई देते हैं, क्या उस सीट पर अनिल कुमार कटारा उस मजबूती से लड़ते दिखाई देते हैं, क्या उस मार्जिन को बढ़ाते नजर आते हैं, उस मार्जिन इतना होने के बावजूद कहीं ऐसा तो ना हो कि सीट फंस जाए। ये तमाम चीज़ें अनिल कुमार कटारा के लिए भी चुनौतियों की तरह सामने आ रही होगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि परिणाम क्या निकलता है, मगर नज़र 84 सीट पर सबकी बनी रहेगी। आपके वहाँ पर अगर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो आपके क्या फीडबैक है वो भी हमें भेजें, उसके आधार पर भी कुछ चीज़ें हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।